हेलो हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो हेलो, यस सर। भाई आवाज आ रही है या नहीं आ रही? सर आ रही है। सर आ रही है। सर आ रही है आवाज। अच्छा, मैं जरा बच्चों को बुला ले, अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ, तो अटेंडेंस पहले लगवा दें क्योंकि नेट का काफी इशू हो रहा है। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान मौजूद हैं? फैजान, नहीं है? फैजान सिद्दीकी, नाम तो दिख रहा है मुझे फैजान का, पता नहीं अब वो है या कोई और है। खैर, सैयद आरिज प्रेजेंट सर। ओके, तवाब प्रेजेंट सर। ठीक है, अब्दुल तवाब, उजाम, अहमद खालिद प्रेजेंट सर, हुज़ैफ़ा प्रेजेंट सर, अनस मलिक प्रेजेंट सर, ईमान फातिमा नहीं है, जोनिश नहीं है, शाहजेब प्रेजेंट सर, महम अमीन प्रेजेंट, ये किसने कहा है प्रेजेंट? अमीन है? यस सर। अच्छा, उमर अब्दुल्ला, अलियान, अक्सा प्रेजेंट सर, दौलत प्रेजेंट, क्या पानी की बोतल तो दे जा फ्रिज में भैया। ये अनस, जरा माइक बंद करो। अच्छा, उसके बाद है मुस्तफा प्रेजेंट सर, अनस ताहिर, अनस ताहिर, तैमिया प्रेजेंट सर। ओके प्रेजेंट सर। जुनेद अली प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर जुनेद हैं। ठीक है मुकेश प्रेजेंट सर, मोहिब नहीं है, फतेह, असफर, नूर,
अब्दुल अहद बरीरा कोई भी नहीं है चले सर मेरी प्रेजेंट लगाते हैं मोहम्मद फैजान सदी फैजान ठीक है और कोई रह गया सर मेरी भी लगा दो सर मैं भी हूँ उजाम तुम पहले कहाँ थे भाई बुला रहा था जब सर पहले खाना खा रहा था सर मेरी भी लगा दे मोहिब शायद कौन मोहिब मोहिब ठीक है और कोई रह गया चलें भाई बच्चों बात ऐसा है कि आपके सामने ये मसला जो क्रिएट हुआ हालात की वजह से और हमारी तो खैर आज दो क्लासें थी और वो दो क्लासें भी मतलब फुल फ्लेज क्लासेस थी मसला ये है कि अब जाहिर है ऑनलाइन में हम वैसे नहीं कर पाएंगे वजह उसकी ये कि मेरा तो सारा काम आपको पता है बोर्ड का होता है और राइटिंग का होता है और अगर पहले से पता होता तो चलो मैं एक टैबलेट ले जाता है वहां से तो शायद उस पर थोड़ा बहुत वो भी पूरा काम तो नहीं हो पाता लेकिन कुछ ना कुछ चल जाता है हिसाब किताब तो अभी तो खैर वो भी हिसाब किताब नहीं है तो लेकिन ये कि अटेंडेंस आपकी पूरी नहीं थी तो मुझे इसलिए क्लास रखनी पड़ी वरना मैं सोच रहा था कि आज नहीं लेता फिर किसी टाइम अभी हम देख लेंगे जो भी टाइम हो पाता है लेकिन ये क्या मजबूरी हो रही है इस वजह से थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं कि जितना हम कर सकें लास्ट में मुझे ज़रा रिकॉल करवाएंगे कि हम लोग कहाँ पर थे लास्ट में हमारे टॉपिक जो था जी सर फेजर्स शुरू कर रहे थे हम लोग फेजर्स हाँ फेजर्स पे थे और मजे की बात ये कि मेरा लेक्चर भी यूनिवर्सिटी में है यहाँ पे लेक्चर भी नहीं है क्योंकि मुझे पता थोड़ी था कि लेक्चर एक मिनट को मैं यूएसबी पे देखता हूँ वो ऑफिस वाले लैपटॉप पे लेक्चर है तो अल्लाह करे यूएसबी में हो लेक्चर मैंने ये स्लेट पे भी अपलोड भी नहीं किया ना लेक्चर ये वाला लेक्चर नंबर 11 सर ये जोनिश भी आया है उसके बाद माइक नहीं है इसकी भी प्रेजेंट लगा दिएगा अच्छा हेलो आवाज आ रही है आप लोगों को
हेलो हाँ भाई, बस मसला ये कि अच्छा एक काम करो, आप में से कोई एक बच्चा ना, या उजाम आप हैं? उजाम जी जी सर हूँ यहीं पर। आप अपना माइक ऑन रखें ताकि मैं कन्वर्सेशन करूँ तो मुझे पता चले मेरी आवाज आ रही है, ठीक है? ठीक है सर। और बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम हो तो माइक ऑन करके फिर बात कर लें। बात ये है कि भाई यूएसबी में लेक्चर तो नहीं है, ठीक है? तो वो तो नहीं है मेरे पास, इसका क्या कहना चाहिए, पीपीटी। वो पुराने मेरे पास लेक्चर पड़े हुए हैं इमेजेस के ना, तो वहां से फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने ये स्क्रीन शेयर की है, नजर आ रही है आप लोगों को? जी जी सर आ रही। हाँ तो बस अब ये इसी से फिलहाल गुजारा कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं बताता हूँ जितना मैं बता पाऊंगा। फेजर्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, तो फेजर्स का देखें मसला ये था। अब ये इक्वेशन साथ साथ लिखनी होती है, तो थोड़ा सा इमेजिन कर लें कि वीटी की इक्वेशन जो होती थी, वीटी की ये उजाम याद है, वीटी की इक्वेशन क्या थी? वीटी मतलब टाइम डोमेन की इक्वेशन, जिसको साइनोसॉइडल की एक वेव बना दो ना, 0 डिग्री से साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। तो वीटी की इक्वेशन क्या होगी? साइन ओमेगा टी। बिल्कुल सही, वीटी बराबर होगा वीपी साइन ओमेगा टी, ऐसे ही है ना? जी सर। अच्छा, और अगर फेज एंगल आ जाए तो हम क्या कहेंगे? वीटी बराबर है वीपी साइन ओमेगा, साइन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस या माइनस जो भी है, थीटा या फाई जो भी आप कहना चाहें, ऐसे ही है ना? जी सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर कितने पैरामीटर्स आ रहे हैं वोल्टेज की इक्वेशन में? एक तो आ रहा है पीक वोल्टेज वीपी, सही है। एक आ रहा है ओमेगा, साइन के अंदर ओमेगा आ रहा है। ओमेगा की इक्वेशन क्या होती है? 2πf। भाई सही कह रहा हूं? जी सर। और एक आ रहा है आपका फेज एंगल, थीटा या फाई जो भी आप कह लें। बल्कि आप सब मौजूद है तो कॉपी पे तीन चीजें लिख लें कि हमारे पास तीन चीजें हैं वीटी की क्वेश्चन, बल्कि वीटी की क्वेश्चन पहले लिख लें। वीटी बराबर है वीपी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस या माइनस थीटा या फाई जो भी आप लिखना चाहें, क्योंकि थीटा भी इस्तेमाल होता है, फाई भी इस्तेमाल होता है। तो ये क्वेश्चन लिखे उसमें मुझे पता है तीन चीजें हैं, वीपी ओमेगा और एंगल, सही कह रहा हूं? जी सर सही कह रहे। अच्छा अब आगे चलिए। अब जब हम इसको इस वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो हम कहीं पर किसी रेसिस्टर पे करेंगे तो हम करंट निकाल रहे होंगे, या किसी कैपेसिटर पे करेंगे या इंडक्टर पे करेंगे, यानी जो भी हम कर रहे होंगे कोई सॉल्यूशन परफॉर्म कर रहे होंगे, तो इसके अंदर क्या फर्क आ रहा होगा? जो तीन वैल्यूज है ना, एक है वीपी, एक है ओमेगा, एक है एंगल, ये तीन चीजें जो है, ये तीन चीजें चेंज हो सकती है। बाकी तो आपको पता है क्या है उसमें, साइन है और टी है। तो साइन तो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है और टी जो है टाइम है, तो ये दोनों तो जाहिर है कुछ भी नहीं होंगे, तो टाइम तो वेरिएबल है ना, यानी एक्स एक्सिस है टाइम, तो और साइन जो है वो फंक्शन है। तो मेन चीजें क्या हुई? वीपी ओमेगा और एंगल, ठीक है, तीन चीजें हुई। तो उसमें अगर आप गौर करें तो जो वीपी है वो पीक वोल्टेज है, तो आप जब करंट निकालेंगे तो वहां पर पीक वोल्टेज जो है क्या आ जाएगा? पीक करंट आ जाएगा, सही कह रहा हूं? जी सर। तो पीक वोल्टेज की जगह पर पीक करंट आ जाएगा, ठीक है। और थीटा जो फेज एंगल होगा वोल्टेज का, वो चेंज होकर फेज एंगल बन जाएगा करंट का। तो इसका मतलब पीक वैल्यू में भी चेंज आ जाएगा और एंगल में भी चेंज आ जाएगा। क्या ओमेगा में चेंज आएगा? एक सवाल है मेरा, ओमेगा होता क्या है? कल शायद डिस्कस किया था हमने, ओमेगा होता है 2πf। ओमेगा क्या होता है? 2πf, पता है आप सबको? हेलो जी जी सर आ रही आवाज। तो ओमेगा जो है वो 2πf होता है। तो 2πf का मतलब ये कि 2πr कांस्टेंट और f क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, यानी 50 हर्ट्ज आपके घर में सप्लाई आ रही है, तो अगर उससे आप बल्ब जलाएं तो वो भी 50 हर्ट्ज पे चलेगा, पंखा चलाएं वो भी 50, यानी कुछ भी कर लें तो फ्रीक्वेंसी हमारे घर की चीजों में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी एक कॉन्स्टेंट पैरामीटर है, तो 2π कॉन्स्टेंट, πb कॉन्स्टेंट, f भी कॉन्स्टेंट, तो पूरा का पूरा ओमेगा कॉन्स्टेंट। तो इस पूरी इक्वेशन में आपके पास वेरिएबल सिर्फ दो ही हो जाते हैं, एक पीक वैल्यू, दूसरा फेज एंगल, एग्री? जी सर। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकलता है कि क्यों ना हम एक ऐसी क्वांटिटी बना लें जिसका नाम हमने फेजर रखा है, और फेजर को रिप्रेजेंट हम करेंगे जस्ट लाइक अ वेक्टर।
क्योंकि वेक्टर क्या होता है, जिसके अंदर एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन यानी एंगल होता है, ये दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और एंगल। और यही चीज हमारे पास फेजर में भी आ रही है कि जिसके अंदर एक पीक वैल्यू है और एक एंगल, तो हम उस पीक वैल्यू को वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहेंगे और उस फेज एंगल को वेक्टर की डायरेक्शन कहेंगे। तो जस्ट लाइक अ वेक्टर हम एक वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइनोसॉइडल में, एक करंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइनोसॉइडल में। तो इसी कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के बाद हम इसका नाम रखते हैं फेजर्स। और वो वेक्टर बेसिकली नहीं है लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर है जो कि वेक्टर जैसी प्रॉपर्टीज रखता है और उसका नाम हमने क्या रखा है, फेजर। ये चीज समझ में आई? जी सर। अच्छा अब जरा यहाँ पे होल्ड करें अगर सब लोग, और मुझे बताएं कॉम्प्लेक्स नंबर, ये शायद लास्ट क्लास में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस किया था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप देखें तो हमारे पास शायद सबने पढ़ा ना हो तो मैं बता देता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। ये कल डिस्कस किया था कि नहीं, ये बताओ पहले तो। जी सर किया था, जे ऑपरेटर वाला। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जे ऑपरेटर, जे ऑपरेटर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो फॉर्म्स होती हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म और पोलर फॉर्म, ये डिस्कस की थी हम लोगों ने। जी सर क्या बोला आवाज नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर की दो फॉर्म्स होती हैं, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है और एक पोलर फॉर्म होती है, मैंने कहा ये डिस्कस की थी हम लोगों ने या नहीं। सॉरी लिख लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर की दो फॉर्म्स हैं, लिख लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर की दो फॉर्म्स हैं, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है दूसरी पोलर फॉर्म है। ठीक है जी सर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की दो फॉर्म्स होती हैं, रेक्टेंगुलर और पोलर फॉर्म। देखें ये मैंने शेयर की स्क्रीन, इस स्क्रीन पर अगर आप ये देखें तो ये वाला जो एक्सिस बना हुआ है ना, ये नॉर्मल है, जैसे आप कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वही चीज बनी हुई है। फर्क ये होता है ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, नॉर्मल प्लेन नहीं है। कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमारे पास क्या होता है कि जो एक्स एक्सिस होता है, हेलो आवाज आ रही है सबको? जी जी आ रही है सर। तो जो एक्स एक्सिस होता है, जरा यहाँ देखें, ये रियल एक्सिस होता है, रियल एक्सिस यानी इधर भी रियल वैल्यूज होंगी और इधर भी। लेकिन जो वाई एक्सिस होता है उसके ऊपर लिखा है प्लस जे और माइनस जे, यानी के ऊपर यदि वाई एक्सिस पर इमेजिनरी वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि 2J5, ये पॉइंट कहां होगा, तो आप कहोगे 2J5 का मतलब है दो यहां पर चले और पांच ऊपर को चले, तो ये पॉइंट लोकेट हो जाएगा 2J5। क्या ख्याल है, जैसे कि हम नॉर्मल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में करते हैं, ऐसी है ना जी। तो 2+J5 यहां पर आएगा, अगर मैं कहूं -2J+5 तो -2 के लिए आप यहां जाएंगे, प्लस जे के लिए ऊपर ही जाएंगे। अब अगर मैं कहूं -2 -5J तो आप -2 के लिए इधर जाएंगे और -5 के लिए नीचे जाएंगे। और अगर मैं आपसे कहूं +2 -J5 तो आप इस जगह जाएंगे, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इज इट क्लियर? यस सर। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम है और इसका नाम है रेक्टेंगुलर फॉर्म। पोलर को अगर 2+J5 या 2-J5 या -2 -J इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर इसी को मैं एंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं लाइक दिस, ये तो वही फॉर्म है सारी, ये देखें, बल्कि यहां देखें इस स्लाइड पर, रेक्टेंगुलर एंड पोलर फॉर्म में सबसे पहले रेक्टेंगुलर फॉर्म ये वाली दिखाई गई जो मैंने अभी बताई आपको, इसको लिखते हैं a+jb। a क्या चीज है, रियल नंबर, और b क्या चीज है, इमेजिनरी नंबर, क्योंकि j आ रहा है। तो यहां पर जैसे ये है 1+j2, ये दो, ये पॉइंट हो गया। अगर मैं कहूँ -4+j4 तो -4 के लिए यहाँ गए और +4j के लिए यहाँ है, ये वाला पॉइंट हो गया जहाँ एरो हेड आ रहा है। इसी तरीके से एक ये पॉइंट है, इसी तरीके से ये पॉइंट है, तो चारों क्वाड्रेंट्स के पॉइंट्स यहाँ पर बताए हुए हैं और ये फॉर्म है रेक्टेंगुलर फॉर्म। लेकिन अगर इसी को मैं एंगल में लिखना चाहूं तो आपको पता है ना, वेक्टर को हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये लिखा है 1+j2 लिखा हुआ है ये। अगर मैं कहूं कि अगर आप इस पॉइंट तक पहुंचना चाहें तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये कि मैं x पर 1 चलूंगा, y पे 2 चलूंगा, तो पहुंच जाऊंगा ना यहाँ पर, बोलो। जी सर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं 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 नहीं, मैं आपको 1 और 2 नहीं बता रहा, मैं आपको इसकी पूरी लंबाई बता रहा हूँ, यानी इसका क्या है मैग्नीट्यूड ये बता दूं और यहाँ का एक एंगल बता दूं, तो ये यानी एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है, उसकी कितनी लंबाई है, तो भी मैं क्या इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा? सर सिर्फ एंगल से नहीं पहुंच पाएंगे। अरे अल्लाह के बंदे, अगर मैं आपको एंगल और उसकी लंबाई बता दूं, हाँ सर फिर पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे। तो ये पोलर फॉर्म कहलाती है।
ये पोलर फॉर्म कहलाती है और उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ये देखिए ये दिख रहा है सी एंगल थीटा, तो सी क्या चीज हो गई इसका मैग्नीट्यूड और थीटा क्या हो गया इसका एंगल, तो जैसे ये मैंने आपको दिया टू एंगल 45, तो 45 एंगल पर एक लाइन बनाएंगे जिसकी लंबाई 2 होगी, तो ये पॉइंट आ गया ना जी सर। अब अगर मैं आपको x बता दूं y बता दूं तो भी आप यहां पहुंच सकते हैं, या मैं इसकी लंबाई बता दूं और एंगल बता दूं तो भी यहां पहुंच सकते हैं, तो इसको हम पोलर फॉर्म कहते हैं और उसको हम क्या कहते थे रेक्टेंगुलर फॉर्म। यहां तक क्लियर जी सर जी। बच्चों कोई सवाल है तो पूछिए, सबसे कह रहा हूं अब यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बताइए। कॉम्प्लेक्स नंबर की दो फॉर्म्स मैंने बता दी जी भाई, ऐसा तो नहीं आप लॉगिन करके सब चले गए हो सो सुला गए हो हैं? इधर ही हैं, इधर ही हैं, इधर ही। अच्छा जरा इधर ही हैं सर। मुकेश कुमार यहीं पर हैं? यस सर इधर ही। ओके मोहित? यस सर। गुड, ये मैं रैंडम किसी को भी पूछ लूंगा। अच्छा और कौन है? शाहजेब, शाहजेब यहीं पर है जी सर इधर ही हूं। ठीक है तो यहां तक अभी कोई सवाल नहीं किसी का। फैजान सर, फैजान सो रहा है, फैजान सो रहा है, फैजान सो रहा है, तुम्हें कैसे पता? कह रहा हूं ये कौन कह रहा था भाई? उजाम तुम कह रहे थे? उजाम पूरी क्लास में तुमने सबके यहाँ सीसीटीवी लगाया हुआ है क्या हैं? सबको मॉनिटर कर रहे हो? अच्छा खैर, अच्छा बच्चों ये देखो एक इस अब जरा एक बात पे गौर करो अभी। अच्छा एक चीज आपके जहन में आई होगी कि अचानक फेजर पढ़ते पढ़ते हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे कहाँ निकल गए, ये चीज जहन में अगर आई होगी तो इसका जवाब ये है कि जरा गौर करें, जो मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले आपको फेजर की कहानी सुनाई, तो मैंने आपको क्या कहा कि एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो या वोल्टेज या करंट में अगर इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो दो है, एक पीक वैल्यू और एक इसका फेज एंगल, याद आया जी सर? तो अगर गौर करें जो पोलर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की वैसे ही नहीं लिखा हुआ जैसे पीक वैल्यू और फेज एंगल लिखा हुआ। ये जो सी है सपोज दैट ये पीक वैल्यू हो और ये जो थीटा है सपोज दैट ये फेज एंगल हो, तो क्या यानी कि हम एक तरह से साइनोसॉइडल वोल्टेज या साइनोसॉइडल करंट को हम फेजर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फेजर को हम पोलर फॉर्म बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, क्या ख्याल है? जी सर कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे मैं आपको एक वैल्यू लिखवाता हूँ, लिखे वी टी बराबर है वी ऑफ टी, लिखिए वी ऑफ टी इक्वल टू लिखे 8 साइन पैरेंथेसिस ओमेगा टी प्लस 40 डिग्री पैरेंथेसिस क्लोज। लिख लिया जी सर? लिख लिया। दूसरा लिखे लिखे वी टी वी ऑफ टी इक्वल्स टू 10 कॉस पैरेंथेसिस ओमेगा टी माइनस 20 डिग्री पैरेंथेसिस क्लोज। लिख लिया जी सर? लिख लिया। अब अगर मैंने इसको फेजर में रिप्रेजेंट करना है या पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो एक में साइन आ रहा है दूसरे में कॉस आ रहा है, ऐसे ही है ना जी? तो याद रखिए ये जो डेरिवेशन है ये हमने, अच्छा एक बात बताएं साइन और कॉस में फर्क क्या होता है, कोई फर्क है क्या? है भाई भाई कोई भी बता दे यार, किसी एक पे फर्ज नहीं है, जिसको याद आ रहा हो। फैजान, मोहित, अरे क्या अकेला रह गया हूं मैं इस दुनिया में? सर एंगल का फर्क होता है। हाँ बिल्कुल सही भाई, साइन हो या कॉस हो है तो दोनों साइनोसॉइडल ना, तो कोई फर्क नहीं होता, दोनों साइनोसॉइडल है, सिर्फ एंगल का फर्क है। ठीक है तो इसलिए पहली बात तो ये कि एंगल का फर्क है, दूसरी बात याद रखिए मैं साइन लेके चलूं या कॉस लेके चलूं कोई डिफरेंस नहीं है, यानी मैं डिफरेंस तो है एंगल का ऑब्वियसली, मतलब कहने का मकसद मैं कोई भी लेके चल सकता हूं मुझे अलाउ है। तो ये जो फेजर की डेरिवेशन होती है याद रखिए कॉस को लेकर की जाती है, साइन को लेकर नहीं की जाती, तो इसलिए जो पहली इक्वेशन लिखवाई है साइन की वो इतनी वैलिड नहीं है, दूसरी क्वेश्चन वैलिड है। तो उसमें मैंने क्या लिखवाया था आपको 10
cos omega t minus 20, ये लिखवाया जी सर, तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं tan एंगल माइनस 20, यानी लाइक दिस, c की वैल्यू हो गई 10 और थीटा की वैल्यू हो गई माइनस 20, तो tan एंगल माइनस 20 में लिख सकता हूं, क्योंकि ओमेगा टी को मैं स्किप कर सकता हूं क्योंकि वो कांस्टेंट पैरामीटर है. दिस इज कॉल्ड फेजर एंड दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. इज इट क्लियर? जी सर. अच्छा अब एक चीज और करवा देता हूँ, ये वो चीजें मैं करवा रहा हूँ जो बस मैं बगैर उसके करवा सकता हूँ बोर्ड के. देखें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर पे परफॉर्म किए जाते हैं. तो हेडिंग दीजिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस. सर इसमें सिर्फ रेक्टेंगुलर और पोलर फॉर्म पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल नहीं करेंगे? यार दो ही फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, एक्सपोनेंशियल कहां से आ गई? सर वो आर ई आई थीटा होती है ना, आर ई आई थीटा, तो वो जो आर, हाँ हाँ हाँ, जो आर ई आई थीटा है ना वो ये पोलर फॉर्म ही तो है. आर ई आई थीटा जो होती है वो पोलर फॉर्म ही होती है. ये चले कल की क्लास होगी ना इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो हम यूनिवर्सिटी में क्लास देंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये डेरिवेशन वहीं से तो आई है, ये पोलर फॉर्म ही है वो. सही है सर. देखो चलो छोड़ो यार वो बहुत लंबी चीज हो जाएगी, या मैं चलो बता ही दूं. अब तैमी ने एक सवाल पूछा है, मैं एक बुक खोल रहा हूँ विलियम हाइट, थोड़ा सा इसमें एक मिनट टाइम लगेगा. ये डेरिवेशन पूरी विलियम हाइट में मौजूद है. पूरी डेरिवेशन नहीं दिखाऊंगा आपको, मैं आपको एक सिर्फ एक चीज दिखाऊंगा ताकि थोड़ी सी चीज आपको बात क्लियर हो जाए. विलियम हाइट का चैप्टर नंबर 10 है, जी ये बुक दिख रही है आप लोगों को बच्चों? बुक दिख रही है, बुक दिख रही है. हाँ ये चैप्टर नंबर 10 है. अच्छा अब इस चैप्टर नंबर 10 को मैं जरा जाता हूँ आगे. देखें ये स्टार्ट हुआ तो लीडिंग लैगिंग का कॉन्सेप्ट आया, फिर साइंस को साइंस की कन्वर्जेंस आ गई, और फिर हम चलते 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 ये डेरिवेशंस भी हैं इसमें कुछ, लेकिन हम अपनी मेन चीज की तरफ जा रहे हैं. ये रही जी तैमिया, जरा ये देखिए आप मौजूद हैं? जी सर. ये देखो ये सबसे पहले आपको ये बॉक्स दिख रहा है जिसमें आई टी लिखा हुआ है? जी. क्या लिखा है? आई टी इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. ये हमारी एक जनरल इक्वेशन हो गई जो कि साइनसॉइडल इक्वेशन है. जी जी. अच्छा अब अगर मैं इसको आयलर आइडेंटिटी में कन्वर्ट करूं तो आयलर आइडेंटिटी क्या होती है? जैसे आपको अगर याद हो e की पावर आयोटा थीटा बराबर था cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, याद है? यस सर. तो अगर मैं आयोटा तो हम लूंगा नहीं, हम मैं क्या लेंगे? j ऑपरेटर. तो मैं उसको बदल दूंगा, चाहे तो आप अपने पास लिख लें e की पावर j थीटा बराबर होता है cos थीटा प्लस j sin थीटा, सही है? जी. अब अगर देखें मैं इस इक्वेशन में अगर मैं कहूं कि यार ये im cos omega t plus phi ये मेरे पास एक सप्लाई है, तो अगर मैं इस कॉस की जगह आयलर लिखना चाहूं तो आप कहेंगे सर वो आप कहेंगे कि सर वो कैसे लिख सकते हैं क्योंकि आयलर तो बराबर होता है कॉस प्लस जे साइन, ये तो सिर्फ कॉस है ना, जे साइन तो है ही नहीं यहाँ पर. जी. लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं कि मैं लिख दूं, देखिए मैंने यहां लिख दिया आई एम को आई एम लिख दिया और इसकी जगह लिख दिया ई जे ओमेगा टी प्लस फाइव, तो अगर देखा जाए तो ये पूरी चीज किसके बराबर होनी चाहिए? ये होनी चाहिए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस जे साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सही सही सर. भाई क्योंकि ई की पावर जे थीटा होता है ना, थीटा समझ ले पूरा पैरेंथेसिस जो है, तो इस पूरा पैरेंथेसिस जो है ये कॉस के साथ भी होना चाहिए प्लस जे साइन के साथ भी होना चाहिए, क्या ख्याल है? ठीक कह रहा हूं? जी सर. लेकिन ऊपर सिर्फ कॉस है, जे साइन तो है ही नहीं, तो हमने यहां पर एक चीज ये भी लिखी है आर ई, आर ई का मतलब होता है रियल पार्ट.
इसका मतलब है कि हम ई की पावर का जो आयलर आइडेंटिटी है उसमें से हम सिर्फ रियल पार्ट कंसिडर कर रहे हैं, तो रियल पार्ट क्या होता है? कॉस होता है। तो अब ये क्वेश्चन वैलिड हो जाएगी, क्या ख्याल है? सही है सर, आगे। तो हमने इमेजिनरी पार्ट लिया ही नहीं, हमने यहाँ पर रियल पार्ट ले लिया, तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। जब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं तो हम आगे जाते हैं और कहते हैं कि यार यहाँ ओमेगा तो कांस्टेंट है, वो हमेशा ओमेगा 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 साथ चलता रहेगा, तो इस ओमेगा टी को हम स्किप मार के पूरा हम ये लिख रहे हैं आई एम ई जे फाइव, और रियल पार्ट भी हमेशा रियल पार्ट है, हमने एक दफा कंसिडर कर लिया रियल, तो अब हमेशा रियल ही होगा, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं। वो भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, तो क्या बचा? आई एम ई जे फाइव, ये बच गया जी। यही तो है जो आप कह रही थी कि आर ई आई थीटा, याद है अभी जो आप मुझसे कह रही थी, यही तो है। आई एम ई जे फाइव को मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, आई एम एंगल फाइव, और यही पोलर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, और यही इसी को हम फेजर कहते हैं। सही है। तो ये देखे नीचे क्या लिखा है, द प्रोसेस बाय विच वी चेंज आई ऑफ टी इनटू आई, आई ऑफ टी टाइम डोमेन है, और ये जो कैपिटल आई है ये फेजर क्वांटिटी है, इट्स कॉल्ड अ फेजर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द टाइम डोमेन टू द फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग आ गए, आई एम एंगल फाइव, इसी को मैंने क्या नाम दिया है, फेजर्स का। जी ये सबको क्लियर हो गया? जी सर। ओके, अब जल्दी से आगे चलते हैं। मैंने कहा जैसे मैं करवा सकता हूँ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस कोई बच्चा बता सकता है कौन कौन से होते हैं? बुनियादी वाले, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। वेरी गुड उजाम, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो लिख लीजिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस में कॉम्प्लेक्स नंबर की दो फॉर्म्स हैं, तो लेफ्ट हैंड पे लिख लें रेक्टेंगुलर फॉर्म और राइट हैंड पे लिख लें पोलर फॉर्म। जल्दी से लिख लीजिए दोनों हेडिंग्स, लेफ्ट पर लिखे रेक्टेंगुलर फॉर्म, राइट पे लिखे पोलर फॉर्म। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर फॉर्म की जो हेडिंग है उसके नीचे लिखें कि ये प्लस भी कर सकता है, माइनस भी, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, यानी चारों मैथमेटिकल ऑपरेशंस रेक्टेंगुलर फॉर्म परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, ये लिख लीजिए। क्या बोला था सर, रिपीट कर। मैंने कहा है रेक्टेंगुलर फॉर्म की हेडिंग के नीचे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चारों ऑपरेशंस लिख लें, क्योंकि ये फॉर्म पे चारों चीजें हो सकती हैं, प्लस भी, माइनस भी, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। लिख लिया जी सर। अच्छा, पोलर फॉर्म में आए तो आप लिखें ये सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकता है और डिवाइड, प्लस माइनस पोलर नहीं कर सकता। पोलर में एडिशन नहीं होती, पोलर में सब्ट्रैक्शन नहीं होती, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होती है और डिवीजन। ये लिख लीजिए। लिख लिया जी सर। लिख लिया, लिख लिया। अब जल्दी से मैं दिखाता हूँ एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे होती है। तो भाई यानी जो पोलर फॉर्म है उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन तो होती नहीं, तो यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म होगी, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो सबसे पहले एडिशन देखिए, ये एडिशन हम कैसे करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर मस्ट बी इन रेक्टेंगुलर फॉर्म इन ऑर्डर टू ऐड देम, पहली बात। और वो कह रहा है रियल में रियल ऐड कर देंगे और इमेजिनरी में इमेजिनरी। जैसे ये दो नंबर्स दिए, क्या दिया है, 8 प्लस जे 5 और 2 प्लस जे आई, तो इनका रिजल्ट क्या होगा, 8 और 2 रियल नंबर है, ये बन गया 10, और ये दोनों इमेजिनरी है, तो जे 5 और जे 1 बन गया जे 6, ये एडिशन हो गई। इज इट क्लियर? जी सर। दूसरी एग्जाम्पल देख लीजिए, 20, 12, 32, और ये क्या है, माइनस जे 10 प्लस जे 6 माइनस जे 4, तो ये हमारा आंसर आ गया। जी बच्चों, एडिशन समझ में आ गई? जी सर, आ गई है। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में क्या हो रहा होगा, यही काम होगा, यानी रियल में रियल और इमेजिनरी में इमेजिनरी सब्ट्रैक्ट कर देंगे लाइक दिस। ये जरा देखिए और एग्जाम्पल्स भी देखिए, बताएं समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछें। जी बच्चों, समझ में आ रहा है? जी सर, आ गया। सब बताएं, कोई इशू? दो तीन बच्चे कोई और भी जवाब दें, सबको समझ में आ रहा है? जी सर। जी सर। अच्छा, आप जल्दी से एक बात बताओ, जे किसके बराबर होता है, जे इक्वल टू, जे की वैल्यू क्या है, कोई बताएगा? माइनस वन का अंडर रूट। वेरी गुड, माइनस वन का स्क्वायर रूट, और तो जे स्क्वायर क्या होगा,
माइनस वन. बिल्कुल सही जवाब, माइनस वन, वेरी गुड. ओके, अब मल्टीप्लिकेशन देखिए. अब मल्टीप्लिकेशन पोलर से भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर से भी, तो पहले मैं रेक्टेंगुलर दिखा रहा हूँ. ये देखिए, रेक्टेंगुलर में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप रियल, सॉरी, आप हर किसी को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे. लाइक इस तरह एग्जाम्पल देखें, क्या लिखा है, 5 प्लस जे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस जे 4. तो पहले आप 5 को 2 से करेंगे, 5 टू द 10, सही है. फिर आप 5 को इससे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन आएगा और जे आएगा और 5 फोर 20, तो माइनस जे 20 आ जाएगा. भाई यहाँ तक क्लियर? फिर आप इसको इससे करेंगे, जे 3 को 2 से, तो जब ये करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस जे 6. और आखिर में आप ये करेंगे इसको इससे, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होती है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस. अच्छा यहाँ पर ये लिखा है ना, तो मैं भी बताता हूँ, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 4 3 12 और जे स्क्वायर, जे का स्क्वायर आएगा. तो जे के स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने पता है माइनस वन होती है, तो वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये प्लस 12 आ जाएगा. इज इट क्लियर? जी सर, क्लियर है. तो अब आप ऐड कर लीजिए, जैसे कर रहे थे, 10 और 12 कितना हो गया, 22, और जे माइनस 20 जमा 6 ये हो गया माइनस जे 14, ये हमारा रिजल्ट आ गया. ठीक है, क्लियर है? बच्चों जल्दी से बताओ. क्लियर है सर, क्लियर है. आखिर में डिवीजन भी देख लीजिए. देखें डिवीजन ये होती है, ये देखें 10 प्लस जे 5 अपॉन 2 प्लस जे 4. याद रखें, जब भी आप रेक्टेंगुलर में डिवीजन कर रहे हो तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा. कंजुगेट किसको कहते हैं, डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी के साइन को चेंज कर दीजिए, उसको कंजुगेट कहते हैं. जैसे यहां पर लिखा है 2 प्लस जे 4, तो कंजुगेट क्या होगा, 2 माइनस जे 4, दैट्स इट. इमेजिनरी का साइन बदल देंगे, उसको हम क्या कहेंगे, कंजुगेट. तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना पड़ेगा. तो ये देखें, यहाँ पर हमने क्या लिखा, 10 प्लस जे 5 अपॉन 2 प्लस जे 4, और ये कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया, कंजुगेट से डिवाइड भी कर दिया. इज इट क्लियर? सर एक कंजुगेट एक दफा फिर बता दे. भाई कंजुगेट बता तो रहा हूँ, कंजुगेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी के साइन को चेंज कर दें. ठीक है, इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर दिया आपने, कर दिया ना, प्लस जे 4 को माइनस जे 4 कर दिया, सही है. ठीक है सर. अब देखिए ऊपर की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, तो वो तो जैसे अभी मैंने सिखाई वही चीज होगी. तो यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया, ऊपर वाला वही चीज है जो अभी हमने की. लेकिन नीचे वाला अगर आप गौर करें तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, याद है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सर a स्क्वायर क्या हुआ, 4, और माइनस बी स्क्वायर क्या हुआ, 16 जे स्क्वायर. तो जे स्क्वायर की अपनी वैल्यू माइनस वन होती है, तो वो उसको प्लस कर देगा, तो नीचे आ गया 4 प्लस 16, 4 प्लस 16, सही है. जी सर, ठीक है. तो ऊपर क्या हुआ, 20 और 20 रियल पार्ट है, 40 हो गया, ये हो गया माइनस जे 30 अपॉन 20, इसको आप अलग अलग कर लीजिए. तो ये हमारे पास क्या बन गया, 40 पॉइंट, यानी 2 माइनस जे 1.5, ये हमारा रिजल्ट आ गया. दिस इज कॉल्ड डिवीजन. देखें एक मिनट रह गया है, तो मुझे यही चार ऑपरेशन ही करवाने हैं, बाकी हम कल करेंगे. तो इसलिए यहां तक आप देख लीजिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चारों मैंने आपको बताया. ठीक है, यहां तक क्लियर है बात? सर एक दफा फिर बता दें, J4 का स्क्वायर हुआ तो 16 का हो गया, J16 नहीं होगा भाई, J4 J का स्क्वायर क्या होगा, 16 J स्क्वायर ना, और J स्क्वायर माइनस 1 होता है. अच्छा, ठीक है ना, तो 4 प्लस 16 हो गया, सही है. ठीक है बच्चों, ठीक है सर. चले फिर बाकी पे इसको कल से यहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे, इसको मैं और थोड़ा सा बता दूंगा कल, इंशाल्लाह हम क्लास में हो, अल्लाह से दुआ है भाई सबकी. ठीक है जी सर, अल्लाह का कर. चले ठीक है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, आपको दे दूंगा.